बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने बनाएंगे बूंदी का रायता। बहुत ही लजीज सी इसकी रेसिपी है और ये साथ में खाने के साथ रखा जाए तो बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आता है। तो आपके सामने सबसे पहले ये दही है, तो हमने तकरीबन ये 2 कप दही ले रखी है जिसे हम सबसे पहले बीट कर लेंगे। या तो आप मैन्युअली बीट कर लें या फिर आप बीटर से इसे बीट कर लें अच्छी तरीके से। बीटर नहीं है तो उसे छलनी में भी आप छान सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। तो हमारा ये दूध है और दूध नाज़रीन हमारा ये नॉर्मल रूम के टेम्परेचर पर है, तो यानी आपका गर्म दूध नहीं डालना, आपको ध्यान रहे इस बात का, क्योंकि हम दही में ऐड कर रहे हैं और इसे एक बार हम फिर से कर लेते हैं। अब हमारे पास ये 2-3 चीज़ें हैं जिसमें पुदीना, गाजर और खीरा, इसको हम नाज़रीन इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो ये देखिए नाज़रीन, बारीक बारीक ये कट चुका है। आप चाहें तो इसे श्रेड भी कर सकते हैं कद्दूकस की मदद से। अब हम इसमें रायता मसाला मिला रहे हैं, यानी हमारा दही भल्ला और चाट मसाला जो हमने रिसेंटली ही अपलोड करी थी जिसकी रेसिपी और जो तरीका था, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो आप उसमें जाकर इस मसाले की जो तरीका है वो देख सकते हैं। अब हमने इसमें बूंदी डाल दी है, तो ये हमारी होममेड बूंदी है। इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द बूंदी की भी रेसिपी अपलोड करेंगे। तो बस आपका लजीज सा रायता 2 मिनट में तैयार है। बिरयानी हो या फिर किसी भी तरह की राइस हो, उसके साथ आप जब ये रखेंगे या फिर सब्जी पूरी वगैरह, तो उसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है नाज़रीन इसका टेस्ट। तो इस रायते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिर्फ 2 मिनट में बन जाने वाली ये रेसिपी उम्मीद करते हैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो नाज़रीन अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आगे भी शेयर कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा, कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी, और हाँ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।